हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ प्याज की सब्ज़ी। तो मैंने दो बड़े बड़े प्याज लिए हैं, उसमें से एक प्याज में से चार पीस किए हुए हैं। तो देखिए, और मैंने डाल दिया है फ्राई करने के लिए। तो ये जब गरम तेल में डालते हैं तो इनके जो ऊपरी अलग अलग होते जाते हैं पर्थ, जो छोटे छोटे, तो आप देख सकते हो। मैं इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, हल्का ही ब्राउन करूँगी और इधर उधर चलाती रहूँगी। तो इसमें फ्रेंड मैंने डाल दिए हैं दो हरी मिर्च, और उनको भी थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए वो चलाती रहूँगी। तो ये देखिए मेरी फ्रेंड, प्याज हो फ्राई हो चुकी है, मैंने हल्का सा ही ब्राउन किया था। तो मिर्ची भी थोड़ी सी सिक चुकी है इनके साथ में, तो मिर्चियों का थोड़ा तीखापन होना चाहिए, इस वजह से मैंने जल्दी से निकाल लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड, और थोड़ा सा मैंने ये जो हल्दी लिया है और ये धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लिया है, दो चम्मच लिया है, और एक एक चम्मच लिया है मैंने मिर्ची और हल्दी का। तो इसे मैं पानी में मिक्स कर मतलब घोल लूँगी। तो मैं हमेशा जब सब्ज़ी बनाती हूँ तो मसाले को पानी में घोल कर ही बनाती हूँ। मैंने मुझे धनिया थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा धनिया एक्स्ट्रा में और डाल लिया है। तो फ्रेंड मेरा तेल ऑलरेडी गर्म था क्योंकि मैंने अभी प्याज इसी में फ्राई किया है। तो इसमें मैं वैसे तो सादा सिंपल ही बनाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा मतलब डाल चुकी हूँ, उसमें डाल दिया है मैंने ये जो पानी में घोला हुआ मसाला। तो फ्रेंड ये मसाले को अच्छे से भून लूँगी। तो भूनने का मतलब है कि तेल हल्का सा ऊपर आ जाए, तो समझ लीजिए कि मसाला एकदम अच्छे से भून चुका है। तो फ्रेंड इसे मैं अच्छे से चलाती रहूँगी, और ये देखिए इसमें हल्का सा तेल हल्का हल्का आने लग गया है। और ये फ्रेंड मैंने जो प्याज और मिर्ची फ्राई की थी तो वो मैंने भुने हुए मसाले में डाल दी है। तो देखिए फ्रेंड, वैसे तो आप सभी को सब्ज़ी मतलब प्रॉपर तरीके से हो चुकी है, सारा मसाला वगैरह भी डला है, जो एक दो मसाला ये देखिए, जैसे भी आप चाहते हो मतलब अपने अकॉर्डिंग ही पानी डाल सकते हैं। तो मैं ज़्यादा रसीली नहीं बनाती हूँ तो मैंने पानी डाल दिया है। और देखिए फ्रेंड, और ये मैं नमक पहले नहीं डाला था तो नमक मैं अब डाल रही हूँ, और नमक के बाद मैं इसमें थोड़ा सा और नमक डाल दिया है मैंने, और नमक के बाद मैं थोड़ी सी इसमें खटाई और डालती हूँ, हल्का सा मतलब ज़्यादा नहीं डालती, हल्की सी खटाई डालती हूँ। और सबसे लास्ट में जब सब्ज़ी बन जाती है उसके बाद मैं या तो गरम मसाला डालती हूँ या चौबेजी वाला मसाला डालती हूँ, तो उससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देखिए मेरी, आप सभी को मेरी ये जो प्याज वाली सब्ज़ी है कैसी लग रही है। तो इसमें बस मसाले की कमी है, तो फ्रेंड आप इसमें कर देते हैं मसाला ऐड। तो ये मैं चौबेजी का मसाला ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, तो मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसमें डाल दिया है इसमें चौबेजी का दाल मसाला। तो फ्रेंड्स मुझे इसका जो मसाले का टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने डाल दिया है, और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। एक बार कभी अपने इसी के अकॉर्डिंग आप भी बना के देखिए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बना के देखिएगा।